तो दोस्तों, मन की शांति के लिए मैं मछलियों का पीछा करते करते आखिर बुद्धा की शरण में पहुंच ही गया। और यकीन मानिए, ये मंदिर इतना शांत, इतना सुकून देने वाला था कि मुझे सिर्फ चिचियाने की आवाज़ आ रही थी। और काफ़ी देर तक इरिटेट होने के बाद जब मैं ये चिड़ियाने की आवाज़ ढूंढते हुए पहुंचा तो मुझे पता चला ये तो आंटी हैं, चिचिया रही हैं बैठे। मैंने कहा भक्त घुस लो। फिर मैं अपने दोस्त का पीछा करते करते सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया और सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के जो नज़ारा दिखाई दिया मुझे लगा वाह, जन्नत है तो यही है। इस मंदिर का मुझे नाम अभी भी नहीं पता, लेकिन जो भी था अच्छी जगह थी, क्योंकि यहाँ सब उल्टा हो जाता था। और उल्टा होकर जैसे ही मैं इस गुफा में घुसा तो मुझे ये तीन सर वाली पता नहीं कौन सी आकृति दिखाई दी। तो उससे डर के मैं मंदिर के अंदर भाग गया और हर जगह चीज़ें लटक रही हैं नीचे, हर दूसरी जगह पर फोटो बिछाई हुई है इन्होंने, लाइटें लगाई हुई हैं और भगवान की मूर्तियां दिख रही हैं। तो थोड़ी देर ऐसे ही छुपन छुपाई और पकड़ा पकड़ाई खेलते खेलते मैं पहुंच ही गया जहां मुझे जाना था, मन की शांति के लिए और दुर्गा माँ की शरण में। ओह क्या बात है, वाह जय हो। Again, again.